दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पुरानी आईडी हो जिसे आप बंद करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, या फिर आप अपनी ही आईडी को कुछ दिन के लिए डिलीट करना चाहते हो जिससे कि आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ किसी और को शो ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपको फेसबुक ऐप ओपन करना है। फेसबुक ऐप ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, और फिर इसके बाद आपको डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा। ऊपर वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट कुछ दिन के लिए डिलीट हो जाएगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए, जिससे आपकी वीडियोस और फोटोज़ किसी को शो नहीं हो। एंड अगर सेकेंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देन इसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। देन स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको अपने फेसबुक लॉगिन का जो भी पासवर्ड है वो एंटर करना है। मैं एंटर कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है जिससे आप अपने डिलीट अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना है तो 30 डेज़ के बाद फिर ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। आपको यहाँ से डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें 30 डेज़ का शेड्यूल लग चुका है जिससे कि ये 30 डेज़ के बाद डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।